वेलकम टू जेम्स किचन। जेम्स किचन की आज की रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। प्लम केक में अल्कोहल और एग दोनों का इस्तेमाल होता है, पर मैंने आज की जो प्लम केक बनाई है उसमें मैंने नो अल्कोहल और नो एग से बनाई है। तो चलिए देखते हैं किस तरह मैंने बनाई है आज की स्पेशल क्रिसमस प्लम केक। प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर एक बाउल लिया है, उसमें मैंने चॉप किया हुआ थोड़ा सा खजूर के टुकड़े लिए हैं। अब इसमें मैंने थोड़े से किशमिश डाले हैं, दोनों ग्रीन और ब्लैक कलर के। इसके ऊपर जो की डाढ़ी जो होती है वो हमें निकाल देनी है। अब इसमें मैंने चॉप किए हुए बादाम लिए हैं, थोड़े से मैंने मकतरी के बीज यानी वाटरमेलन बीज लिए हैं, थोड़े से काजू, थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता, थोड़े से चॉप किए हुए अखरोट और थोड़ी सी मैंने इसमें टूटी फूटी ऐड की है और थोड़ी सी चेरी। अब इसमें मैंने करीबन एक कप जितना ऑरेंज जूस ऐड किया है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके करीबन 4 घंटे के लिए ढक के एक साइड रख दूंगी। इसमें हमने अल्कोहल की जगह ऑरेंज जूस ऐड किया है। अब 4 घंटे के बाद हमें इसका प्रिपरेशन करना है। इसके लिए मैंने करीबन 1 1/4 कप इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। अब इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जितने कोको पाउडर ऐड किया है। अब इसमें मैंने 1/2 कप जितना पीसी हुई चीनी, 1/4 कप सिनेमन पाउडर, क्लोव पाउडर, जिंजर पाउडर सभी को मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से मैंने इसे छान लिया है। हमें छानना कंपलसरी है। मैंने इसमें कितनी कितनी चीज ली है सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। जब हम आधे से ऊपर छान ले तब इसमें हमें 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करके उसे भी अच्छे से हमें छान लेना है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक साइड में बाउल में निकाल लेना है। अब हमें एक खाली बाउल में बटर को ऐड करना है। इस बटर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस बटर में जो हमने पाउडर छाना था उसे हमें मिक्स करना है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स को ऑरेंज जूस में भिगोया था अब उसे हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमें 1/2 कप जितना चोको चिप्स भी ऐड करना है और इसमें अब हमें मिक्स फ्रूट या आप वेनिला एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें करीबन 1/2 कप जितना ही पहले दूध ऐड करना है। अगर हमें रिक्वायर हो तो ही हमें और 2 या 3 स्पून जितना ही इसमें हमें दूध ऐड करना है। हमें बहुत दूध ऐड नहीं करना है, हमें हमारे बैटर को गाढ़ा ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा दूध अच्छे से मिक्स हो सके। अब हमें एक टिन लेना है, उसे हमें बटर पेपर से
अच्छे से कवर करके उसमें हमारे सारे बैटर को उसमें डालना है। अब इसे हमें अच्छे से टैप करना है ताकि इसके अंदर कोई भी हवा हो तो वो निकल जाए, जो भी एयर हो वो रहे नहीं। इसके ऊपर आप चेरी या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हमें एक बड़ी कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है। अब इस नमक के ऊपर हमें एक स्टैंड रखना है और करीबन 10 मिनट के लिए हमें इसे गर्म होने के लिए रखना है। 10 मिनट के बाद जब हमारा नमक गर्म हो जाए उसके बाद हमें हमारे टिन को इसमें सेट करना है और करीबन 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से पकने देना है। 40 मिनट के बाद कुछ इस तरह हमारा केक रेडी हो गया। अब हमें हमारे केक को ठंडा होने देना है और चारों ओर से चाकू की मदद से कुछ इस तरह उसे अलग करना है। अब हमें एक डिश लेनी है और उस डिश पे हमें इस टिन को कुछ इस तरह से टैप करना है ताकि हमारा केक अच्छे से टिन से अलग हो सके। कुछ इस तरह हमारा केक टिन से अलग हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो भी हमने बटर पेपर निकाल लगाया था उसे हम निकाल देंगे। अब हमें एक और डिश लेनी है और हमारे केक को उस पे हमें सीधा करना है। कुछ इस तरह हमारा केक रेडी है। अब इसे हमें पीसेस में कट करना है। आप चाहें इसे जो भी पीसेस में कट करना चाहें आप कर सकते हैं। और रेडी है हमारा क्रिसमस प्लम केक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।